मैं अभी दूसरे रक्षा विशेषज्ञ जो हूं साहब है, मैं उनको सुन रहा था, बात बेरोजगारी भी की भी चली थी। देखिए, अगर दो फैक्टर को देखा जाए तो मैं 70 साल आजादी के बाद से मैं लेता हूं, मैं बोलता हूं कि जब पॉलिटिकल वैक्यूम वहां पे नहीं था, उस टाइम पे जब सरकारें थी, कोई एक सरकार थी कांग्रेस की थी, तब क्या इस तरीके के बवाल वहां पे नहीं होते थे? तब भी होते थे। कश्मीर की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है आजादी के बाद से ही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे किसी और की। तो ये बोलना कि पॉलिटिकल वैक्यूम के कारण ये चीज है, मैं उसको नहीं मानता हूं। देखिए, दूसरी चीज ये बोलिए बेरोजगारी के लिए, मैं उसको भी नहीं मानता हूं, मैं वहां गया हूं। आप देखिए, बिहार का एक आदमी जिसके पास नौकरी नहीं होती है वो 1400 किलोमीटर दूर रोजगार पाने के लिए चला जाता है। कश्मीर के लड़के जो है वो उनकी फैमिली वाले खुद उनको बाहर, भारत में किसी ने उनको रोजगार देने से मना किया हुआ है? कई बार आप देखते हैं कि अगल बगल के गलियों में शॉल बेचते हुए लोग मिलते हैं। सवाल ये है, वो खुद उन्होंने अपने आप को कंटेंट करके वहां पे रखा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी फैसिलिटी उनको जाती रहती है, खाने पीने के लिए मिलता रहता है। कश्मीर में इतना बड़ा टूरिज्म था, इतना रोजगार था कि कुछ पूछने वाली बात नहीं है। उसको खत्म किसने किया? उसको खत्म किया वहां के नेताओं ने। कुछ ऐसे नेता हैं जिन लोगों ने इन चीजों को शह दी, उसमें आकर के वहां के जो लोकल लोग हैं, वॉर जहां पे होगी क्राइसिस वहां पे होगी। अफगानिस्तान में यही हुआ, आप देख लीजिए, अफगानिस्तान बर्बाद हो गया, सीरिया बर्बाद हो गया, सैकड़ों साल लगे थे सीरिया में बनने के लिए, वहां बिल्डिंगें बर्बाद हो गई। तो वहां के पब्लिक को यह समझना चाहिए। अभी मैं आप ही के टीवी पे देख रहा था, जो ये पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे ना, इनको बोलना चाहिए, इनको बताना चाहिए हम लोगों को कि 1971 की तुम जंग याद कर लो, पाकिस्तान जिनसे तुम्हें इतनी मोहब्बत है उनका कैरेक्टर क्या है, ये तुम 1971 के पहले बांग्लादेश में देख लो। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम पाकिस्तान में मिल करके तुम्हें जन्नत मिल जाएगा ना, तो इसका जीता जाता उदाहरण बांग्लादेश है। मैं वही बोल रहा हूं, देखिए है क्या एक चीज ये है, इस मुद्दे पे 70 साल के बाद चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, अब आपको एकदम क्लियर कट, आपको अपनी आइडियोलॉजी, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी फिलॉसफी, अपनी डॉक्ट्राइन रखनी पड़ेगी। डॉक्ट्राइन ये रखनी पड़ेगी कि आप सेपरेट करिए हिंदुस्तान की ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कश्मीर में पत्थर फेंकने वाले आतंकवादियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती हो, उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई की जाए। वहां के पब्लिक भी जो इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, वो भी उनको भी इक्विवेलेंट उतना ही दोषी माना जाए। अगर पूरे वॉर को ये फाइट करना है, और सुरक्षा बल, देखिए सुरक्षा बलों में कमी नहीं है, वो तो दिन पर दिन जो है मार रहे हैं। सवाल ये है जो दूसरे पहलू हैं, आप उसमें सॉफ्ट क्यों है? नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, जवान जो है वो काम कर रहे हैं, सेना काम कर रही है, लेकिन दूसरे पहलू पर जहां काम करना चाहिए वहां पर काम नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट क्यों सॉफ्ट हुई पड़ी है?